पुणे जिले के नगर काझा कोटी स्थित शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन एवं पटेल नर्सिंग कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर लेफ्ट लाइटिंग ऑथ सेरेमनी समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक एवं एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज के निदेशक दिलीप जायसवाल, अमनौर विधानसभा के विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल, कॉलेज के चेयरमैन पंकज कुमार निराला, निदेशिका नूतन कुमारी, जदयू नेता जितेंद्र यादव मौजूद रहे। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात फ्लोरेंस नाइटेंगल के तैलचित्र पर सभी अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि को कॉलेज के चेयरमैन पंकज कुमार निराला ने शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया। वहीं विशिष्ट अतिथि विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल को कॉलेज के निदेशक नूतन कुमारी ने शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया, जिसके उपरांत स्वागत गीत से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के क्रम में निदेशिका नूतन कुमारी ने कहा कि 5 वर्ष पहले काझाकोटी के इस भूखंड पर ANM कॉलेज की नींव रखी गई थी। लोगों के अपार समर्थन एवं प्यार की वजह से 2019 में GNM कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद 2022 में BSc नर्सिंग कॉलेज की मान्यता इस कॉलेज को दी गई। वहीं कॉलेज के चेयरमैन पंकज कुमार निराले ने कहा कि आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटेंगल के याद पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। उनके प्रेरणा से पूर्णिया की पावन भूमि पर कॉलेज की स्थापना की गई है। वहीं मुख्य अतिथि दिलीप जायसवाल ने कहा कि वर्षों पूर्व बिहार मेडिकल एवं नर्सिंग शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेश में जाकर नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि बिहार में नर्सिंग शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों का रुचि बढ़ा है। उन्होंने कहा कि खुशी होती है कि कोई व्यक्ति इस तरह के कॉलेज का स्थापना करता है। मुख्य अतिथि ने फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के अवसर पर पटेल नर्सिंग कॉलेज की शिलापीठ का उद्घाटन किया। लैंप लाइटिंग का प्रोग्राम किया गया था। इंटरनेशनल नर्सेज डे और नर्स प्रोफेशन के लिए ये पूरे दुनिया में आज का दिन नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। लैंप लाइटिंग का जो आज कार्यक्रम है उसमें जो नर्सिंग प्रोफेशन के इथिक्स हैं, उनका जो सिद्धांत है उसका पालन करने का आज जो है वो लोग वचन देते हैं कि समाज का हम इस प्रोफेशन में नर्सिंग डिग्री लेकर के समाज में अपनी सेवा देंगे। वैसे भी नर्सिंग का हिंदी जो है सेवा ही होता है। तो ये जिस तरह का आज का कार्यक्रम है, मैं सबसे पहले पंकज पटेल जी को, नूतन जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि पूर्णिया ऐसे सुदूरवर्ती जगह में जहां पर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था और वहां पर आपने इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का शुरुआत किया है, ये बहुत बड़ी बात है। समाज में विकास के लिए अगर कोई दीप जलता है तो वो शिक्षा का दीप सबसे बड़ा सेवा का मिसाल होता है और ये काम पंकज पटेल जी ने यहाँ पर किया है। अगर हम बगल के राज्य कर्नाटक में चले जाएं तो वहाँ 600-700 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगर होंगे तो 100 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज। वहीं पर हम बिहार में आए तो बिहार में पहले तो 2-4 नर्सिंग कॉलेज स्कूल दिखाई पड़ता था पूरे बिहार में, और यहाँ पर इस तरह करके आज कम से कम 20-25 नर्सिंग कॉलेज स्कूल खुला है, जबकि यहाँ कम से कम 200 से ज्यादा होना चाहिए पूरे बिहार में। तो पूर्णिया का इससे विकास होगा और यहाँ के लड़कियों को विशेष करके जब कर्नाटक और मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए जाना पड़ता था तो वहां पर उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, दिक्कत होता था, ट्रेन में जाना, रास्ते में सुरक्षा नहीं, माँ बाप को 2-3 दिन तक जो है नींद नहीं आना कि मेरी बेटी बेंगलोर जो जा रही है तो कितना सुरक्षित रहेगी। तो आज कम से कम अपने घर में पढ़कर डिग्री भी लेगी, सुरक्षित भी रहेगी। तो यहाँ के विशेष करके लड़कियों को जो है एक अवसर मिलेगा अपना आपको समाज में सेवा देने का, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। बिहार में क्या है कि लोग लेकिन बहुत जानते, हर चीज में हम लोग लेकिन लगाते, हम इंसान में जन्म ने लिए, इससे बड़ा कोई हमारा आशीर्वाद भगवान का नहीं हो सकता। पूरे दुनिया में हम लोग अपने सनातन धर्म में बोलते हैं कि 84 लाख योनि यानी 84 लाख तरह के जीव हैं, उसमें इंसान में जन्म लेना ही सबसे बड़ा जीत हो जाता है, इससे अच्छा तो कोई रूप नहीं। और भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर इंसान संत है,
इसीलिए कोई लेकिन नहीं है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला पूछे ए बंदा बता तेरी रजा क्या है। तो इसलिए डिग्री हर वक्त डिग्री जो है अपने एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर योग्यता है तो वो डिग्री कहीं भी निखर जाता है। और हम लोग कहते भी हैं कि सर्विस सीकर मत बनो, सर्विस प्रोवाइडर बनो। इसलिए नर्सिंग प्रोफेशन को किसी तरह का कोई भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक नर्सिंग और डॉक्टर है। इसके बगैर तो इंसान जी ही नहीं सकेगा। और कोरोना के समय में आपने देखा, कोरोना के समय में आपने देखा कि किस तरह से मेडिकल प्रोफेशन की समाज को आवश्यकता। जिस वक्त अपने लोग भूल गए थे उस समय भी डॉक्टर और नर्सेज हमारी सेवा करके हमारे सगे संबंधियों को बचाने का काम करते थे। बहुत बड़ा काम, मैं तो कहूंगा कि ये इससे बड़ा कोई समाज का सेवा हो ही नहीं सकता। हम एक MLA MLC MP के रूप में नेतागिरी कर सकते हैं, सरकार के योजना को धरती पर उतार सकते हैं, लेकिन इस तरह का शैक्षणिक संस्थान खोलकर सीधे समाज को रोजगार के लिए प्रेरित करके रोजगार उपलब्ध कराना इससे बड़ा कोई काम। आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, आज का दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, जिन्होंने नर्स का जो जन्मदाता थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो इटली में जन्मी थी 1820 ईस्वी में, आज ही के दिन जन्मी थी। और वो समाज में सेवा भाव से वो सब वर्ग के आदमी को कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं करते हुए सबको समान भाव से सेवा का भाव सिखाई, वही से नर्स का जन्म हुआ। और वही उन्हीं के जन्मदिन पे आज नर्सिंग डे मनाया जाता है, वही आज हम लोग मना रहे हैं शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कॉलेज है, चल रहा है, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आगे देखा जाएगा। आगे बहुत सारी आवश्यकता तो है ही, बहुत सारे कोर्सेज का भी जरूरत है, यहाँ पे बहुत सारे चल भी रहा है और भी आदमी कर रहे हैं, उसमें हम भी लगे हुए हैं, करेंगे आगे। स्काई इज नो लिमिट, स्काई इज नो लिमिट, आसमान का कोई अंत नहीं होता, लगे हुए हैं। आज हमारे पूर्णिया जिला के एक नगर प्रखंड काजा कोठी में जो हमारा नर्सिंग संस्थान है, इनका स्थापना दिवस भी है। और ये जो जिन्होंने इनका निर्माण किया महान हस्ती फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 12 मई 1820 ईस्वी में उनका उन्हीं के उपलक्ष्य में ये नर्सिंग हर नर्सिंग कॉलेज में ये मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन के साथ साथ आज हमारे नए कॉलेज पटेल नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना हुई है। हमारे यहाँ शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन में ANM एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिनमें कि छात्र छात्राएं दोनों के लिए है, और BSc नर्सिंग बैचलर ऑफ नर्सिंग इन डिग्री जो कि वो भी छात्र छात्राएं दोनों के लिए है। यही सामान्य कोर्स हमारे पटेल नर्सिंग कॉलेज में भी अध्ययनरत होगा, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज ये आप लोग जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो अभी बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी हमारे बड़े भाई आए हुए, अमनोर विधान सभा के विधायक मंटू पटेल जी आए, हमारे मातृभूमि से निवर्तमान जिला अध्यक्ष स्वदेश जी, हमारे पूर्णिया से भी बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सारे बच्चे उनके अभिभावक सभी को ही आए हुए हैं। मैं नूतन कुमारी निदेशिका ऑफ शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say 24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।